आपने हाल ही के दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात की फोटो टीवी या सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। लेकिन इन सब तस्वीरों में एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई। दरअसल बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग की तस्वीर जारी हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल की कुर्सी खाली है और शिवराज कुछ दूरी पर सोफे पर बैठे। मैं इस फोटो को लेकर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है जिसमें चार प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठकों के फोटो पोस्ट किए गए। कांग्रेस ने लिखा है, मोदी जी ने शिवराज से दिखाई दूरी, क्या सरकार बदल गए हैं या सरकार बदलने वाली है। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार की दोपहर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच बैठक लगभग सवा घंटे चली। इसमें सरकार के कामकाज के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक सलूजा ने सीएम शिवराज का मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये समझ में नहीं आता कि हमारे शिवराज जी को मोदी जी इतना नापसंद क्यों करते हैं। दूसरे नेताओं की तरह उन्हें भी पास की कुर्सी में क्यों नहीं बिठाते, तुम्हें हमेशा ही दूर क्यों रखते हैं। अब देखिए योगी जी से इतनी नाराजगी होने के बाद भी उन्हें पास की कुर्सी पर बैठा है। वहीं कांग्रेस के हमलावर होने के थोड़ी देर बाद ही भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के कमलनाथ की तस्वीर जारी कर जिसमें वे टांग उठाकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी के साथ सीएम शिवराज की तस्वीर पर तंज कसने पर आपत्ति जताते हुए पाराशर ने लिखा, इसे कहते हैं 15 सालों की शालीनता और 15 महीनों का घमंड। शिवराज जी की शालीनता को समझने का संस्कार वे कांग्रेसी कहां से लाएंगे जिनके मुखिया ही प्रधानमंत्री के सामने टांग उठाकर बैठते हैं।